देखो भाई लोग, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। परीलोक नाम का एक साम्राज्य था जिसमें एक राजा, एक उस साम्राज्य में कानून बनाने वाला अमात्य और एक सेनापति। और उस सेनापति का काम है प्रजा और प्रजा के बच्चों की रक्षा करना, फिर चाहे उसे उस साम्राज्य के राजा से भी क्यों ना भिड़ना पड़े। अब इस कहानी में राजा है महामहिम उत्थान, अमात्य है सुषमाग और सेनापति है बालवीर। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। इसमें सेनापति यानी बालवीर जिसका काम है प्रजा और उनके बच्चों की रक्षा करना, लेकिन वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो प्रजा की रक्षा क्या खाक करेगा। अभी के टाइम हमको बालवीर सीजन 3 के एपिसोड्स में बस यही देखने को मिल रहा है। तो जो कोई भी बालवीर रिटर्न्स के मेकर्स या फिर देव जोशी खुद मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को घुमाओ मत, क्योंकि हमको बच्चों की रक्षा करने वाला बालवीर ही पसंद है, ना कि आप जो अभी के टाइम दिखा रहे वो बालवीर। तो चलिए हम बालवीर रिटर्न सीजन 3 एपिसोड नंबर 9 का प्रोमो देख लेते हैं और फिर बाद में इसकी वाट लगाते हैं। बच्चों को बचाने वाला बालवीर या अभी आया धरती लोक पर बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन विलन कह रही है कि ब्लास्ट हो जाएगा बालवीर। और ये है हमारे महामहिम उत्थान। अब ये किस एंगल से महामहिम उत्थान लग रहे हैं भाई? विलन ज्यादा लग रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? सुषमाग बंदी बनाने की प्लानिंग में है बालवीर को। अरे यार, यहाँ तो अपने ही अपने के पीठ पीछे ससुरा घोंक रहे हैं यार। क्या हो रहा है यार, ये देखो। ओ भाई, आखिरकार ये क्या चल रहा है? प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि भाई यहाँ तो कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है। क्योंकि महामहिम उत्थान और सुषमा अक्सल से बालवीर को बंदी बना लेता है। और अच्छाई की एक खासियत रही है कि वो कुछ भी कर लेंगे लेकिन सल कपट और पीछे से वार कभी नहीं करेंगे। लेकिन इस शो में तो अपने ही अपने के पीठ पीछे सुराग घोंप रहे हैं और इस कहानी से बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सो प्लीज स्टॉप इट। जय हिंद।